हमारे एक शायर बहुत बड़ी शायरी कहते थे, वो मजाक में कह रहा हूँ, मैं किसी को कह नहीं रहा हूँ, वो कहते थे इधर गधे उधर गधे सब तरफ गधे ही गधे, अच्छे घोड़ों को नहीं है घास और गधे खा रहे चौवन प्राश। जो रोड बनाएगी, जो किसान को पानी देगी, जो फसल के सही दाम देगी, गांवों को समृद्ध संपन्न बनाएगी, किसान के बेटों को रोजगार देगी, गांव गरीब मजदूर किसान का कल्याण करेगी, स्मार्ट सिटी नहीं स्मार्ट विलेज बनेंगे, अच्छी स्कूल आएगी, अच्छे अस्पताल आएंगे और गांव समृद्ध बनेंगे। पर यह तभी हो सकता है कि राजस्थान में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, दिल्ली में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार और ये डबल इंजन की सरकार बुलेट ट्रेन के स्पीड से जब दौड़ेगी तो तकदीर आपका बदलेगा, भविष्य आपका बदलेगा, भविष्य किसानों का बदलेगा। और इसी बात के लिए आपसे अनुरोध करने के लिए मैं आया हूं, परिवर्तन करिए, बदल करिए, फिर से एक बार पुराने भारतीय जनता पार्टी के शासन को याद करिए। आज मैं मंदिर में गया था तो मंदिर के पुजारी और वहां के भक्तगण मुझे कहते थे, कह रहे थे कि ये मंदिर किसने बनाया। तो राहुल जी मेरे बाजू में खड़े थे तो मैंने कहा को किसने बनाया, बोले वसुंधरा जी ने बनाया। अरे वसुंधरा जी ने तो अभी 100 करोड़ का बनाया, तुम एक बार चुन कर दो 500 करोड़ का काम होगा, पूरा मंदिर का परिसर पूरा बदल जाएगा। ये फर्क होता है। हमारे एक शायर बहुत बड़ी शायरी कहते थे, वो मजाक में कह रहा हूं, मैं किसी को कह नहीं रहा हूं, वो कहते थे इधर गधे उधर गधे सब तरफ गधे ही गधे, अच्छे घोड़ों को नहीं है घास और गधे खा रहे चौवन प्राश। अब तुमको ऐसा है, समझने वाले को इशारा काफी होता है। तो एक बार आप तय कर दो, डबल इंजन लगाओ, राजस्थान के तकदीर को बदलो, गांव गरीब मजदूर किसान की भविष्य को बदलाओ, युवाओं को रोजगार तैयार करो। और इतना ही नहीं तो राजस्थान और देश के भविष्य को बदलो, मोदी जी के नेतृत्व में, नड्डा जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को साथ दो और विकास का सूरज, विकास का कमल फिर से एक बार राजस्थान में खिलाओ। यही हाथ जोड़कर आपसे नम्रता पूर्वक अनुरोध करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। मेरे साथ कहिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। परिवर्तन यात्रा को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद मंत्री महोदय। अब मैं धन्यवाद के लिए, नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।